नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी लिंकिंग लॉज। आज हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं 11 अप्रैल के। देखिए, क्लास का टाइम जो था वो तो 11:15 का था मॉर्निंग में, बट एक्चुअली क्या है कि 6:15 किसी कारणवश करना पड़ा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए जो है यहाँ पे क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्लास की शुरुआत जो है यहाँ पे मोदी जी से हुई है। देखिए, एक बार फटाफट से हम देखते हैं, एक बार मुझे वॉइस और ऑडियो प्रॉपर है या नहीं एक बार बता दीजिएगा। राइट, वेरी गुड। वो दोनों चले गए क्या? क्लियर है? ओके, राइट। चलिए फिर, ओके। मेरे क्या है कि दिख नहीं रहा था यहाँ पे कि एकदम परफेक्ट है। आपने बता दिया एकदम परफेक्ट है। चलिए, ओके। हाँ, तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मोदी जी की, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन कर्नाटक। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि जो बिग कैट्स अलायंस है वो किसने स्टार्ट किया है, ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो वो कर्नाटक गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टार्ट किया है। तो ये एक तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल कैट्स अलायंस कहाँ पे हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्नाटक पे हुआ है, एकदम परफेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो कर्नाटक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर जो है वो है बसवराज बोमाई, ठीक है। हाँ, अच्छा, क्यों किया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितनी भी कैट फैमिली के अंदर जो 7 लोग आते हैं, यानी कि जिसमें टाइगर भी आ जाता है, वुल्फ भी आ जाता है, चीता भी आ जाता है, मतलब कि जो कैट फैमिली के हैं, हाँ, उन सभी को प्रिजर्व रखने के लिए ये चीज करी गई है। चीफ मिनिस्टर क्या नाम है? बसवराज बोमाई। गवर्नर की बात करें थवरचंद गहलोत है। ऑफिशियल एनिमल की अगर हम बात करें कर्नाटक के, तो यहाँ पे इंडियन एलिफेंट है। ऑफिशियल बर्ड की बात करें तो इंडियन रोलर है। ऑफिशियल डांस यक्षगाना है, प्राचीन जमाने का है। वेरी गुड मुकुल कुमार, टाइगर, लियोपार्ड, लायन, चीता। लायन नहीं आता है शायद, लायन एक्चुअली नहीं आएगा, लायन थोड़ा अलग हो जाता है इसलिए, है ना। ऑफिशियल सॉन्ग की बात करें तो जय भारत जनन्य तनुजते, ठीक है जी। ये नहीं पता ये सन ऑफ SR बोमाई है या नहीं, जी ये नहीं पता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो पर्सनैलिटी आपको दिख रही है मोदी जी, तो ठीक है, मोदी जी के बाद कौन आए हैं यहाँ पे? अमित शाह आए हैं। वेरी गुड इवनिंग। तो अमित शाह जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को इन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ पे? हाँ, किबितु, इस जगह का नाम है एक्चुअली किबितु। ये जो किबितु करके विलेज है, ये जो गांव है, ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे लास्ट में जो विलेज आता है वो है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारे इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में जो सबसे लास्ट वाली जो जगह है ये छोटी सी, इसका नाम क्या है? किबितु। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर। गवर्नर की बात करें यहाँ पे तो क्या है? केवल्य त्रिविक्रम परनायक, ठीक है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो पेमा खांडू। और ऑफिशियल फ्लावर और एनिमल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करता क्या है, है ना, देखते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये 4,800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कितने का? 4,800 करोड़ का प्रोजेक्ट है रोड कनेक्टिविटी के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये किससे रिलेटेड है? तो रोड कनेक्टिविटी के रिलेटेड, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या नाम है? किबितु। किबितु, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो प्लेसेस इन न्यूज वाला क्वेश्चन आता है ना, तो किबितु कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स किसे मिला है? तो वो इनको मिला है, KR राव। क्या नाम है इनका? KR
राव, जिसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, कल्याणपुडी राधा कृष्णा राव। लेकिन अगर आप के एम राव भी लिखेंगे, ऑप्शन में वैसे के एम राव ही लिखा हुआ आएगा, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। राइट, 102 साल के हो गए, क्या बात कर रहे हो, ये तो मुझे भी नहीं पता था। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, इंडियन अमेरिकन स्टेटिकन है ये, हाँ शानदार। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेटिस्टिक्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, ठीक है, इंडियन स्टेटिस्टिक्स का जो है न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी बात है तो कुछ बुरी बात तो होती है, तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस थिएटर एक्ट्रेस, ठीक है, जिनका नाम क्या है यहाँ पे, हाँ जलबाला वैद्या, इनकी डेथ हो गई है 2 दिन पहले, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ये पूछेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है थिएटर एक्ट्रेस से रिलेटेड है। राइट, हाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023, तो ये जो एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 है ये किससे रिलेटेड है और ये कहाँ पे हो रहा है, ये पूछते हैं अपन से, चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के बीच में हो रहा है और हो कहाँ रहा है, एक बार ये भी आप देखिए, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, हाँ ये हो रहा है आगरा के अंदर, कहाँ पे हो रहा है, आगरा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, कोप इंडिया किसके बीच का एक्सरसाइज है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में। सर एडी वाली क्लास कब से होगी, आपने 9th का बोला था जी, वो तो स्टार्ट हो गई ना, हाँ 9th का नहीं बोला था वैसे, मैंने 11th बोला था जी, शेड्यूल भी मैंने डाल दिया है आपके ग्रुप के अंदर, आप चेक कर सकते हैं, अभी वापस बता देता हूँ, है ना, अभी वापस बता देते हैं। और ये देखिए इंडियंस एंड, ये इंडियंस है और इंडियंस के साथ साथ अमेरिकन्स, चलिए भाई, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10th अप्रैल को मनाया जाता है। दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 10 अप्रैल, ठीक है, 2023 की थीम क्या है, तो थीम क्या है, होम्यो परिवार, यूनिवर्सल हेल्थ, वन हेल्थ वन फैमिली, इतना बड़ा है क्या करेगा बताएं। हाँ तो यहाँ पे इस बार जो है एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो हमारी इंडिया की है वो इसको क्या है यहाँ पे होस्ट कर रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रही है, और जो सैमुअल हैनमन थे एक पर्सन जिनकी 10 अप्रैल 1755 के अंदर उनका जन्म हुआ था, उस डेट को ही हम मानते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से एक और क्वेश्चन आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कौन है, सॉरी मिनिस्टर ऑफ आयुष मिनिस्ट्री कौन है, तो उनका नाम क्या है, सर्बंदा सोनोवाल, इम्पॉर्टेंट। आज मैं मतलब कि आज से मैंने क्या सोचा है कि डेली आपको चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, CM, गवर्नर सब मैं यहाँ पे कर सकता है ना, तो इससे क्या होगा कि आपको डेली करंट अफेयर्स में ध्यान रखेगा इसका। हाँ जी, इसके जनक है ये, बिल्कुल फादर ऑफ होम्योपैथी भी कह सकते हैं। इसका थीम याद रखना है होम्यो परिवार, यूनिवर्सल हेल्थ, वन फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 371F एग्जाम के लिए आ सकता है, आर्टिकल 371F किस बारे में है, तो देखिए भाई, सिक्किम फाइनली अडॉप्टेड टू बिकम अ फुल फ्लैज 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1975, ठीक है, तो ये जब सिक्किम जब बना था, फुल फ्लैज स्टेट बना था, तो उसी के बारे में है यहाँ पे आर्टिकल 371F, ठीक है। कुछ अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस भी रहे थे आपको पता ही है, जैसे नागालैंड है, सिक्किम है, मणिपुर है, मेघालय है, तो इनकी कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी है, कुछ 80mm वाले अलग है, है ना, वो भी है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371F द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम शैल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिक्किम इन द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि वो ही कर पाएंगे, हाँ डायरेक्ट नहीं होगा, वो लोग ही कर पाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये सिक्किम का उस समय क्या बात हुई थी उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ है, वो इस चीज़ को डेमोक्रेसी मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम,
ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम है ये, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर, हाँ तो कितने साल तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिए, इस स्कीम को बताना है, 2025, 27, 30 या फिर 2050। देखो 2050 तक तो इम्पॉसिबल है कोई स्कीम का खींचना इतना ज़्यादा, है ना, बाकी कुछ भी हो सकता है, 50 तो हो ही नहीं सकता है, राइट जी। नहीं, इसका आंसर मैंने एक्चुअली ऑप्शंस में 2027 था नहीं, हाँ मैंने डाला है जानबूझ के, ताकि आप लोग क्या करो बी पे कर दो। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए 2025 है, 2025 तक इस स्कीम को क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट रिलीज्ड द स्टेकिंग अप द बेनिफिट्स लेसन्स फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी रिपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे किसने स्टेकिंग अप द बेनिफिट्स लेसन्स फॉर इंडियाज डिजिटल जर्नी रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है, चलिए देखते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर नीति आयोग। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये जी, चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया की डिजिटल जर्नी की बात हो रही है, तो स्टूडेंट घूम फिर के इस पे लगाएगा शायद नीति आयोग पे, और आंसर गलत हो जाएगा। अब आप लोग लगा रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब बचा वर्ल्ड बैंक या IMF, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, Washington DC के अंदर है, ठीक है, Washington DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री हैज बीन इलेक्टेड टू द UN स्टेटिकल कमीशन फॉर अ 4-year टर्म, 4 साल के लिए कौन सी एशियन कंट्री, हाँ, को बनाया गया है UN स्टेटिकल कमीशन का अध्यक्ष टाइप, इंडिया, श्रीलंका, चाइना या फिर बांग्लादेश, राइट, इंडिया, श्रीलंका, चाइना या फिर बांग्लादेश, देखते हैं। मुकुल कुमार, आपको पहले से आंसर कैसे पता होते हैं, ये गलत बात है ना ये तो, हाँ इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है इंडिया, बिल्कुल सही है, 4 साल के टर्म के लिए इंडिया को मिला है ये प्रेसिडेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ गैया मिशन, ठीक है, वैसे ये गैया तो बिल्कुल भी नहीं है, GAIA मिशन होता है ये, इसको ऐसे बुलाते हैं हम, विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी, इसके बारे में तो थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, तो ये जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की नई शुरुआत है, कौन सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ये क्या है एक बार देख लेते हैं, ठीक है, गैया मिशन, द ESA प्रोजेक्ट सीक्स टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द मिल्की वे एंड इट्स प्रेजेंट नेचर। अब ये मिल्की वे क्या है भाई, मिल्की वे का मतलब होता है आकाशगंगा, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो है हमारा, ठीक है, यानी कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, हाँ वो इसी चीज़ के बारे में है जी, एक बिग बैंग हुआ था जिससे हमारी आकाशगंगा बन गई, यानी कि मिल्की वे बन गया, जिसके अंदर हमारे जो एक सन है और उसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पे 8 प्लैनेट्स घूमते हैं और खूब सारे एस्ट्रॉइड्स अलग अलग तरह के, तो उसी के बारे में जो है किस तरह से वो फॉर्मेशन हुआ, हाँ तो बिल्कुल, विद दिस मिशन डेटा द स्पेस एजेंसी हैज डिस्कवर्ड अ न्यू फैमिली ऑफ ब्लैक होल्स, दीज 2 ब्लैक होल्स आर बिलीव टू बी द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, हाँ डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारी क्लास जो मैं ये रोज लेके आता हूँ 20 मिनट की, हाँ तो क्या ये अच्छी क्लास रहती है आपके हिसाब से, एक तरह से वो क्या कहते हैं उसको, हाँ कुछ कहते हैं ना, जैसे कि आप इस पे आप बताएं कितने स्टार दोगे, 5 में से कि रेटिंग टाइप कुछ ऐसा, तो उससे क्या होगा कि मैं इसको और भी अच्छे, लो ये तो बेस्ट क्लास ही बोल दिया इन्होंने, तो आगे बोलने ही नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज
रेकॉन स्टीलर विच वॉज सीन इन द न्यूज, ठीक है, हाँ रिव्यू कह सकते हैं, बिल्कुल मैं रिव्यू वर्ड ढूंढ रहा था एक्चुअली, फीडबैक तो कब का आया था। चलो तो रेकॉन स्टीलर की अगर हम बात करें तो वो क्या चीज है, रेकॉन नाम से, हाँ राइट, तो यहां पे एनिमल तो नहीं हो सकता, राइट, मालवेयर हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी तो है ही नहीं, ऐसा कुछ क्रिप्टो करेंसी नहीं है इसका आंसर, हाँ सुपर कंप्यूटर नहीं है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मालवेयर, ठीक है, हाँ मालवेयर हो जाएगा। अच्छा इस बारे में मैं आपको बताता हूँ, आज की जो क्लास थी 12:15 वाली, ठीक है, पूरे 28 राज्यों के लिए इम्पॉर्टेंट थी, इंडियन पॉलिटी की क्लास थी, जो अभी हरियाणा ADA की आप पूछ रहे थे ना, ये हरियाणा ADA के लिए, उत्तराखंड जुडिशरी के लिए, तो यहाँ तक ये जो पूरी इम्पॉर्टेंट है, एक इंटरनेशनल लॉ को छोड़ के ये जितने भी क्लास है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो 6 नंबर का, कितने नंबर का, 6 नंबर का आज मैंने करा दिया है, आर्टिकल्स मैंने 110 तक कराए हैं, वो थोड़े थोड़े करके मैं कराऊंगा आपको, 6 नंबर का मैंने आज बता दिया है आपको, तो मिस मत करना, आप लोगों के लिए क्लास है, हाँ बिल्कुल है, क्या कर रहे हो आप, करंट अफेयर्स का पार्ट है, करंट अफेयर्स से ही तो आता है क्वेश्चन हरियाणा ADA में। चलिए करंट अफेयर्स की बात करते हैं साल भर की, तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो आर्टिकल 360, हाँ आर्टिकल 360 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोक्लेम अ, जी 12-15 क्लास होगी, हाँ 12-15 इसका आंसर देखते हैं जी। 360 की बात करें तो वो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तो होती है ना जी, गिरी इंग्लिश हिंदी दोनों में है, हाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। टोटल क्लास कैसे मिलेगी ऐप पे, तो आप एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं देख लेता हूँ आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेरेक्स मिशन की अगर हम बात करते हैं तो स्पेरेक्स मिशन की बात करें, हाँ अज हाँ आर्टिकल 360 कभी नहीं लगी इंडिया में, हाँ तो स्पेरेक्स मिशन जो है नासा का है, हाँ नासा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का है, स्पेशल है, कोई चार्ज नहीं लगता है, आराम से इंजॉय करो क्लास को फुल, ठीक है, 200 बच्चे आते हैं समझ लो अब आप, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट डिप्रेशन, देखो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, ग्रेट डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था आकर, तो इसका परफेक्ट टाइम मैं बताता हूँ आपको जी, 1929 में एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हाँ 1929 में ये स्टार्ट हुआ था, सबको लगता है ये होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड की बात हो रही, नो ये एक्चुअली बी है, ग्रेट डिप्रेशन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा जी। बिल्कुल आप पद्मिनी 5 मिनट बाद पूछ लीजिएगा, हाँ इंग्लिश क्या जैसे ही हो जाएगा आप पूछ लीजिएगा, आपकी बात करने के बाद ही क्लास बंद करूंगा, ठीक है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान जो 1950 में आया था वो किससे संबंधित था बताना है, तो ये सीधा सीधा एग्जाम में याद कर लो, इंग्लिश की क्लास उत्तराखंड वालों को लेने की जरूरत नहीं है, अभी 1 महीना जो है ना उत्तराखंड वालों को इंग्लिश की क्लास नहीं लेनी, 1 महीने बाद लेना, ठीक है। हेरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस है ये, हाँ कौन सा 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखो ये थोड़ा सा खिसका हुआ, इसका मतलब ये आंसर ये नहीं है, हाँ इसका आंसर सी है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द, आज ही मैंने ये पढ़ा था, हाँ और आज मैंने आपको पढ़ाया भी था ये चीज, जो आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ाए थे ना उसमें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 16, क्या नाम है इसका, आर्टिकल 16, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स, यानी कि एक स्टेट जो है कोई भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज अपना सके, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, चलो देखें
आर्टिकल 330, 345, 335 या फिर 312, ये 2022 के करंट अफेयर्स में था, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कौन एकदम सही बताता है। वेरी गुड प्रसून, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 345 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला जो अध्यक्ष है वो कौन रही, यानी कि प्रेसिडेंट रही? प्रीति सिंह रावत, अनीता रामपाल, माधवी पुरी वुच या फिर वर्षा एम कुमारी? जी, इसका आंसर सी ही है, बिल्कुल माधवी पुरी वुच इज द राइट आंसर, बिल्कुल हाँ ऑप्शन नंबर सी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया सागर लेक कहाँ है, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, विक्टोरिया सागर लेक कहाँ पे है? सी गेस था लेकिन सी ही है इसका आंसर, बिल्कुल ये बताएं आप तो विक्टोरिया सागर लेक कहाँ है? हाँ महाराष्ट्र में है, गोवा में है, आंध्र प्रदेश में है या उड़ीसा में है? जी ये सभी गलत करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, सब सी बोल रहे हैं ना, काट दो। हाँ आज का हीरो मुकुल कुमार भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या है, डी है उड़ीसा, बिल्कुल सही है, हाँ ऑप्शन नंबर डी है। हाँ लगता आंध्र प्रदेश होगा आपको, बट इसका आंसर डी है, ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया नाम से एक बार तो क्या है कि महाराष्ट्र भी कर दें, बट नो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाँ टूम, ऐसे देखो इंग्लिश प्रोनंसिएशन भी बता देता हूँ मैं आपको, टी ओ एम बी को टॉम नहीं बुलाते हैं, ठीक है, हाँ इसको बुलाते टूम, कब्र, ठीक है। टूम ऑफ द अननोन सोल्जर इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, कहाँ पे सिचुएटेड है टूम ऑफ द अननोन सोल्जर? ठीक है तो इसका आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है राइट, ना फ्रांस, फ्रांस में नहीं है, यूएसए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ऑर्गेनाइजिंग द अभिधामा डे, हाँ 3 अप्रैल के बैच में आरजेएसपी है क्या? जी बिल्कुल आरजेएस के लिए इंग्लिश की क्लास लग रही है ना 9:15 पे, ठीक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों। हाँ जी ये तो कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि अननोन सोल्जर था ना, हाँ कैसे बताएं। हाँ अभिधामा डे जो है अलोंग विथ विच स्टेट, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किसके साथ में यहाँ पे बन के बनाया, राइट सर द हिंदू के कौन से पेजेस पढ़ने चाहिए अभी बताता हूँ, ठीक है इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं है, सॉरी टू से बट बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश है राइट। और द हिंदू की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेज एक बार देखना चाहिए, स्पोर्ट्स और फिल्म का नहीं देखना चाहिए, स्पोर्ट्स का गलती से देखना भी मत, बड़ा चढ़ा के बताते कोई सेंस नहीं है, ठीक है इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक्स वाला और उसके एक पास वाला, वो दो पढ़ने हैं एक तो, ठीक है और एक एडिटोरियल आता है। अब अगर अपन एडिटोरियल नॉर्मली पढ़ते हैं, हिंदू का बता रहा हूँ मैं अभी, तो एडिटोरियल अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा 1 घंटा जा सकता है पूरा, तो इससे अच्छा है और द हिंदू तो हमेशा ही अच्छा चलेगा, उसमें तो कोई हाँ दो राय नहीं है, बिल्कुल। वोकैबुलरी, ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड, ठीक है अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? देखो एक तो होता है अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, ये जो अंडर द वेदर है इसका मतलब एक्चुअली पता है क्या होता है, अंडर द वेदर का मतलब होता है कि सिक बीमार रहना, बट यहां पे तो अंडर अ क्लाउड है, चलिए देखते हैं। ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी इन डिसग्रेस, ऑप्शन नंबर सी विद अ हैवी हार्ट या फिर व्हेन इट वाज रेनिंग, ठीक है तो मन तो करता है ना सी लगाने का, विद अ हैवी हार्ट है ना, सी नहीं है, इसका आंसर है इन डिसग्रेस, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ बस वही है, वोकैबुलरी के लिए ही पढ़ना चाहिए,
नेक्स्ट देखो, हाँ, दे गॉट ऑन वेल विथ ईच अदर, ठीक है, गॉट ऑन वेल विथ ईच अदर का मतलब क्या होता है, यानी कि जब वो मिले थे एकदम से ही क्या हो गए, ये अच्छे तालुकात हो गए, ठीक है, हैड एन एग्रीमेंट, हैड अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तो हो नहीं सकता, हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, बस को ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हाँ डी पे मत जाना, डी नहीं है इसका आंसर, ठीक है, गॉट ऑन वेल विथ ईच अदर का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप हो गई, ये अक्सर जो है हो जाती है, ठीक है, हाँ दो लड़के साथ में घूमते रहते हैं तो वो अपना आप ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ट्राइड टू स्लिप ऑफ, ये स्लिप ऑफ क्या है, अब देखिए आप देखते हैं कौन एकदम सही बताता है, शी ट्राइड टू स्लिप ऑफ बट वॉज कॉट इमीडिएटली, ठीक है, स्टील क्वाइटली, गो क्विकली, लीव क्वाइटली या स्लाइड क्विकली, चलिए देखते हैं, हाँ कौन एकदम सही बताता है, बोलो तारा रारा ने ऑप्शन नंबर डी कहा है, लो अब क्या करें, आप लोग सब सी कर रहे हैं, हाँ सभी स्टूडेंट सी कर रहे हैं, एक बार फिर सोचने का मौका दे देता हूं वैसे मैं आपको, हाँ सी कर रहे हो आप सब, चलिए ठीक है, वैसे सी ही आंसर है इसका, लीव क्वाइटली है, अब क्या करें अब, हाँ नहीं सी ही है, चिंता मत करो सी ही है, हाँ जी वो अच्छा, हाँ कभी कभी जो ईडियम है ना भावनाएं मैच कर जाती है, तो ये अच्छा लग रहा है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, नहीं ये चलो ये भी बहुत सिंपल है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्फिडेंट ऑफ या फिर अफ्रेड ऑफ तो हो नहीं सकता, जी जी बिल्कुल, मैं आपको एग्जाम के 3 दिन पहले तक कंफ्यूज करूंगा पूरा, जी हाँ मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, वो आपके एग्जाम में फायदा मिलेगा एक्चुअली, इसीलिए करता हूँ, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल का मतलब होता है एक्सपेक्टिंग विथ प्लेजर, बिल्कुल इसका आंसर बी है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन है हाँ इसमें आपकी भावनाएं भी मैच नहीं कर सकती, सच बात तो ये है, इसमें आपको अच्छा भी कुछ नहीं लग सकता है, देखो डॉग ईट डॉग, अब डॉग ईट डॉग का क्या करें, अब ठीक है ना मैंने बता रखा है इसलिए आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी है रुथलेसली कॉम्पिटेटिव, यानी कि कुछ ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन होना, ठीक है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, टू हाँ अब बताओ, अब ये चलो ठीक है अब बताओ आप, तो टू ईट वंस ओन वर्ड्स, अपने ही शब्दों को खा लेना, टू ऑफर ब्राइब विथ स्वीट वर्ड्स, किसी को रिश्वत देना प्यार से, यार 500 रुपये ले लेना यार काम कर दे यार, है ना, टू लिसन केयरफुली अच्छे से सुनना, टू रिमेन साइलेंट यानी कि चुपचाप रहना, फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ओन स्टेटमेंट, यही बस यही मुझे चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी, कैसा लग रहा है आपको डी पे गलत करके, ठीक है कैसा लग रहा है, जी इसका आंसर डी नहीं है, भावनाओं के साथ नहीं बहना चाहिए, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, टू ईट वंस वर्ड का मतलब होता है कि चुपचाप रहना, फिक्स मीनिंग होता है इंग्लिश में, हाँ जैसे हिंदी में धीरे धीरे होता है धीमे धीमे होता है, वैसे इंग्लिश में स्लोली स्लोली नहीं होता है, स्लोली ही होता है, एक ही बार स्लोली का मतलब भी वही होता है जो 2 बार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ यूपी मेंस की क्लास 5:35 पे चल रही है, लिंकिंग रेगुलर बैच इंग्लिश, क्या बात बोलूँ मैं अब इस क्लास की, तो मैं आपको 9:15 PM चल रही है, ऐसे के टॉपिक ट्रांसलेशन चल रहा है इसमें, हाँ और ये जो BGS का बैच है 2:15 साइंस चल रही है भाई, इसमें क्या क्या पढ़ाना पड़ता है, करंट अफेयर्स, मेंस, GK GS पूरा का पूरा, साइंस, इंग्लिश, बहुत लोड है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ अरे 20% का ऑफ चल रहा है अभी,
हाँ 20% का ऑफ भी चल रहा है, लेकिन कोड क्या लगाना है आपको, लिंकिंग, तो 20% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और थोड़ा चेक कर लीजिएगा, शायद नो कॉस्ट ईएमआई भी है, एक बार चेक कर लीजिएगा, इसके बारे में श्योर नहीं पता है। प्लस आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन है, हाँ ठीक है, इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होता है तो, राइट। और ये रही हमारी क्लास, 12-15 वाली क्लास मिस मत करना, ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए पूरी बनाई है, वो भी अगर नहीं करोगे फिर क्या मतलब है, ठीक है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।